बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट टू है, जिसमें हमने आपको दूध के बारे में मुफीद मालूमात फराहम की थी। आज हम आपको मुख्तलिफ जानवरों के दूध, उनके खवास और फवायद के बारे में बताएंगे। नंबर एक, बकरी का दूध। हमारे मुल्क में दूध हासिल करने का आम ज़रिया गायें और भैंसें हैं, बकरियां भी आम पाई जाती हैं। बकरी को गरीब आदमी की गाय कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये जानवर दूध हासिल करने की बजाय ज़्यादातर गोश्त के लिए इस्तेमाल होता है। बकरी का दूध ग़िज़ा बख्श है और बड़ी आसानी से हज़म हो जाता है। इसके दूध से मक्खन और पनीर भी तैयार किया जा सकता है। बकरी का दूध इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर उबाल लेना चाहिए। बचे हुए दूध से बुखार और दीगर छूत वगैरह का खदशा हो सकता है। हमारे माशरे में गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, दूध इनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। बेहतर यही है कि गरीब लोग इसे बतौर गाय रखें। इसकी कीमत कम और कम चारे का खर्चा और देखभाल आसान है। ग़िज़ाई और सेहत बख्श फ़वाद के लिहाज से बकरी का दूध गाय के दूध के तकरीबन बराबर है। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में दूध महंगा हो गया है और मज़ीद महंगा होता जा रहा है। बकरी को गरीब आदमी की गाय भी कहा गया है। मुमकिन हो तो बकरी रख कर इसके दूध से इस्तफादा करें। ग़िज़ाइयत, बकरी का दूध इंसानी इस्तेमाल की खुराक में एक अहम जुज़ की हैसियत रखता है। इसमें मादनियात जैसे कैल्शियम की वाफिर मकदार मौजूद होती है, जो कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा दूध जिस्म को प्रोटीन की भी मकदार फराहम करता है और जिस्म की हयातियाती ज़रूरत को पूरा करने में मदद देता है। एक तहकीक में ये बात साबित हुई है कि दूध का एक गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करने पर जिस्म की 44% हयातियाती ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। दूध की बाज़ इकसाम में मदनियात जैसे कैल्शियम की मकदार खातिर ख़्वाह नहीं होती, लेकिन फिर भी इनसे मलाई पनीर हासिल हो सकता है। नंबर दो, ऊँटनी का दूध। जहाँ ऊँट सहरा की ज़िंदगी बसर करने वालों के लिए एक नेमत है, वहीं ऊँटनी का दूध भी नेमत बेशबहा से कम नहीं। कीमती फ़वाद का हामिल ऊँटनी का दूध, जो बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है और साथ ही शफा भी है। बकरी के दूध की खासियत अलग, भैंस के दूध की खासियत अलग। गाय के दूध के लिए दरअसल हम शहरी लोग शहर की गहमा गहमी में अपने असलाफ की बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर बैठे हैं, इसलिए नई चीज़ कबूल करने में हमारा जहन कुछ वक्त ले लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि तिब्बी एतबार से ऊँटनी का दूध बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऊँट की साख्त पर गौर करने को और इससे नसीहत हासिल करने की ताकीद की है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि सहरा के सख्त तरीन मौसम में भी कई दिन बगैर खाए पिए गुजारने की सलाहियत रखता है, और इसके कुहान जो ठोस चर्बी से भरे होते हैं, कहत और खुश्क साली के मौसम में भी अपनी इस चर्बी से दूध की पैदावारी सलाहियत बरकरार रखते हैं। और ये हैरत अंगेज़ बात है कि शदीद खुश्क साली के दौरान जब पानी की कमी वाक़ हो जाती है, तब इसके दूध में ऐसी हैरत अंगेज़ कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं जो वहाँ बसने वाले अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में काम आती हैं। मुताले से ये भी मालूम होता है, ये बात ज़ेहन नशीन कर लें, कि साइंस की हर तहकीक हतमी नहीं होती, बल्कि इसमें इस्लाह की गुंजाइश होती है। हम चूँकि नेमत रबानी को बयान कर रहे हैं, तो इसके तहत जहाँ जहाँ से हमें मुफीद मालूमात मैसर आती हैं, हम आपके सामने पेश करते हैं। ऊँट सहरा की शदीद गर्मी में अपने जिस्म में पानी का ज़खीरा करने की सलाहियत रखता है,
और ये पानी अमले तबखीर के जरिए कम से कम उसके जिस्म से खारिज होता है। जब ऊँट को पानी की कमी का सामना हो तो इस वक्त भी उसके दूध में पानी की खासी मकदार खारिज होती है। इसके साथ साथ दूसरे नमकियात जैसा कि सोडियम क्लोराइड की मकदार दूध में 10 मिली एक्विवेलेंट फी लीटर से बढ़कर 23 मिली एक्विवेलेंट फी लीटर तक पहुंच जाती है। याद रहे कि यह नमक इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सहरा जहां पर गर्मी की वजह से पसीने का अखराज ज़्यादा हो। पसीने के साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी हमारे जिस्म से खारिज होता है। नमकियात की ये कमी हमारे जिस्म में कई बीमारियों का मूजब बन सकती है। तो इस सूरत हाल में ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करके सोडियम क्लोराइड की कमी का मुकाबला किया जा सकता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की खासी मकदार पाई जाती है, जबकि ये विटामिन गर्मी और खुश्क साली के दिनों में ऊँट के दूध में और ज़्यादा बढ़ जाता है। विटामिन सी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर करने में इस्तेमाल होता है। शदीद गर्मी के मौसम में विटामिन सी धूप की हिद्दत और लो लगने से भी बचाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी 23 मिलीग्राम फी लीटर होता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन, नमकियात, प्रोटीन और चिकनाई की एक खास मकदार मौजूद होती है। अक्वामे मुतहिदा के इदारा बराए खुराक व ज़राअत FAO के मुताबिक ऊँट के दूध में विटामिन सी की मकदार 3 गुना ज़्यादा होती है। ये फुलाद और विटामिन बी से भी भरपूर होता है। चोटी के गजाई माहरीन इस बात पर मुतफिक हैं कि ऊँटनी के दूध के गैर मामूली फ़ायदे हैं। बहुत से ताजरों का मानना है कि ऊँटनी का दूध सोने जैसी कदरों कीमत का हामिल है। दोस्तों, आपने सुना कि दूध अल्लाह अज़्ज़वजल की अता करदा कितनी बड़ी नेमत है, जिसमें हमारे लिए बेशबहा फ़ायदे हैं। इन नेमतों की हमें कदर करनी चाहिए और इन्हें ज़ाय करने से बचाना चाहिए। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।